इस बार मेरे को 46 बार मैं लोगों को बरगद और पीपल के पेड़ दूंगा। 99 पेड़ लगभग लेके गए हैं एक ही दिन में, और सभी लोग पीपल के पेड़ लेके गए हैं, क्योंकि लोगों ने जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने एक ही बात कही कि साहब आज पीपल पूर्णिमा, इसका बहुत महत्व है और पीपल एक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है और आज ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, इसलिए हम पीपल का पेड़ लगाएंगे। अलग अलग गांवों से लोग लेकर के गए, 99 पेड़ एक ही दिन में लेके गए हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ खेतड़ी में पूछे हाँ आप बात कर लिया कि श्री गोपाल कृष्ण जी शर्मा, आज आप बहुत ही मतलब अलग वीडियो बनाने वाला हाँ, जो बरगद और जो पीपल को पेड़ है बिको पर वीडियो बनेगो। तो जो गोपाल कृष्ण जी ही ये काफ़ी सालों जो बरगद का पेड़ ही पीपल का पेड़ ही ये उगान लाग रहे हैं और लोगों ने वितरण करी ही निःशुल्क, तो जो थारी या जर्नी है पीपल का पौधा की बरगद का पौधा की या थे कब स्टार्ट करी और थारो के मकसद हो? ये अपनी बरगद और पीपल के पौध तैयार करने की जर्नी लगभग 46 वर्ष पूर्व, अब इस बार मेरे को 46 बार मैं लोगों को बरगद और पीपल के पेड़ दूंगा। जब मैं 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ता था तभी से एक जुनून सा मेरे सवार था और मैं हर साल ये बरगद और पीपल के पेड़ तैयार करके और निशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। तो थर दिमाग में कब आयो कि आप पेड़ पौधा लगावा, कब स्टार्टिंग करी है? क्योंकि पहले तो यहाँ कोई बचपन में तो सीखे को नहीं, थर कब नहीं दिमाग में? एक घटना थी, मेरे पिताजी को एक किसी ने बताया था कि भाई आप एक पीपल का पेड़ कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाओ, तो उन्होंने उस समय काफ़ी लोगों से तलाश किया लेकिन पेड़ नहीं मिला। उस टाइम वन विभाग की भी कोई नर्सरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तब हमने कई जगह तलाश किया लेकिन पेड़ नहीं मिला। फिर हमें किसी ने बताया कि बीलवा गांव में एक कुमावत थे, वो पेड़ तैयार करते थे, तो मैं यहाँ से खेतड़ी से 3 किलोमीटर बीलवा पैदल गया। वहाँ जाने के बाद में उनसे मैंने देखा उनके पास 10-15 पेड़ तैयार थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हर साल तैयार करता हूँ और लोगों को फ्री में देता हूँ। तो मुझे उस समय प्रेरणा मिली कि मैंने कहा ये अगर देते हैं तो अपन कैसे नहीं देते। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से तैयार करते हो, तो कह रहे थे वर्षा के समय में ये उगते हैं वहीं से उठा करके मैं तैयार करता हूँ, कोई नाली में गली में छत पर कहीं उग जाते हैं तो वहाँ से उठा करके मैं तैयार करता हूँ। उसी साल मैंने एक पेड़ उनसे लेके आया था, लेकिन उसी साल मैंने वो 10-15 जगह से पेड़ इकट्ठे किए और वो सारे और वो पेड़ एक साल में अच्छे ग्रोथ कर गए। उसके बाद मुझे एक जुनून सा हो गया और मैं हमेशा ये पेड़ तैयार करने लग गया। तो मतलब साल में कता के पौधा ही जो थे तैयार कर ले हो, महीना में कता कर ले हो? नहीं, महीने से नहीं होता, साल के अनुसार होता है। जैसे स्टार्टिंग में मैं इसमें पहले बीज से वर्षा ऋतु में छोटे छोटे इनके मिट्टी के ये जो चेबरे होते हैं अपने मटके के तोड़ करके उनमें मैं बीज से उनके बीज होते हैं उनसे पौध तैयार करता हूँ। फिर फरवरी में उनको अलग अलग शिफ्ट करता हूँ और जुलाई तक वो पेड़ लगभग 3 से 4 फुट का हो जाता है। जुलाई में फर्स्ट वीक में मैं लोगों को एक फंक्शन करके और वो पेड़ वितरण कर देता हूँ। और अब बात करा कि जो पेड़ ही ये पेड़ जो कि मैं भी आके देखो है कि जो बरगद को पेड़ है और पीपल को पेड़ है, आपके अलावा भी थे क्या को पेड़ उगाओगे? नहीं, इनके अलावा मैं 5 वर्षों से तुलसी के पेड़ भी लगभग 500 पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करके लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ तुलसी। और जो आपको बीज है बरगद को और पीपल को, यो बीज खड़े हूँ लेके आओ थे? देखो पहले तो मैं 20 साल पहले तो ये था कि कहीं गली से नाली से कुचली से कहीं छत से उठा करके पेड़ तैयार करता था, लेकिन गत 20 वर्षों से मैं ये जब मार्च और अप्रैल में इन पे जो फल लगते हैं बरगद और पीपल के पेड़ों में फल लगते हैं, उन मैंने कुछ 10-15 पेड़ चूज कर रखे हैं। उन पेड़ों के नीचे वो जो उन पे पक्षी उन बीटों उनको फल को खाते हैं और खाने के बाद जो मल करते हैं उसको अपनी देसी भाषा में बीट बोलते हैं, तो वो बीट कलेक्ट करके लाता हूँ और ला करके वो अपने घर में और उसमें डाल देता हूँ बीज और वो उग जाती हैं और उसके बाद में इसका पौध तैयार हो जाता है। उसे क्वालिटी बहुत बढ़िया, मैंने एक दो इनसे कृषि विभाग वालों से और जो ये जो अपने बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इनसे भी बात की कि भाई ये पेड़ इसका, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो पक्षी खाने के बाद में बीज मेडिकेटेड हो जाता है तो उसके बाद में उगता ही उगता है। बरगद और पीपल की खासियत है कि मेडिकेटेड पेड़ बीज हमेशा उगता है। बात करा कि जब थारी स्टार्टिंग की जर्नी ही भी टाइम पर गरखा को कतो के सपोर्ट हो मम्मी पापा को? नहीं, मम्मी पापा का पूरा सहयोग था
और उसके बाद में अब जब मम्मी पापा का पूरा सहयोग रहा, मैं पेड़ लगाता था और पानी की हम खेतड़ी में हमेशा से पानी की किल्लत रही है, तो घर वाले सहयोग देते हैं। और अब मेरे मेरा पूरा परिवार, मेरे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटे बेटी सब मेरा पूरा सहयोग करते हैं। और ये क्योंकि अब गर्मी का बड़ा वो रहता है, तो हमें पानी चाहे मिले ना मिले, खेतड़ी में 5-6 दिन से पानी आता है, लेकिन इन पेड़ों में तो दिन में 3 से 4 बार पानी डालना पड़ता है। और उसमें हम टैंकर से खरीद के भी पानी इनको डालते हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो अब उससे मेरे को आत्मसंतुष्टि है कि अपन कम से कम। और मेरा एक मकसद और भी है, और मैं सभी लोगों से ये भी कहता हूँ, जैसे एक आदमी अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ काम में लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उसके अलावा लगातार एक भी पेड़ नहीं है। तो मेरा तो मैं सभी लोगों से जहाँ भी जाता हूँ हर जगह यही कहता हूँ कि कम से कम अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाए, और एक पेड़ लगाने के बाद में उसकी परवरिश अवश्य करें। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है। और आज अब जैसे अपने घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, जैसे बेटा बेटी का जन्मोत्सव है, बेटा बेटी की शादी है, या अपना बुजुर्गों की पुण्यतिथि है, यदि उसको हम चिरस्थायी करके उसमें एक पेड़ लगा लें, क्योंकि लाखों रुपए उसमें वैसे भी खर्च करते हैं अपन कार्यक्रमों में, लेकिन यदि हम उस पेड़ लगा करके उसकी परवरिश कर दें और उसमें एक ट्री गार्ड लगा दें और उसमें नियम से एक बाल्टी पानी की डालें, तो वो पेड़ ऑटोमेटिक उसकी परवरिश। और ज़रूरी नहीं कि घर में कहीं भी लगा सकते हैं आप पेड़। तो मेरा मकसद यही है कि हर आदमी पेड़ लगाए। यदि जैसे पूरे देश में यदि सभी लोग संकल्प लें एक पेड़ का, तो इतनी तगड़ी हरित क्रांति आ जाएगी, हमें ऑक्सीजन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो पेड़ उगाओ हो थे, अब कौन सी मिट्टी डालो हो, कौन सी खाद डालो हो, कि भाई पेड़ ही भाई अच्छी तरीका हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपा पेड़ ने जे रखांगा, जे मतलब खाद देंगा, भी कई सब ही पेड़ बनेगा। इसमें मैं प्योर जैविक खाद काम में लेता हूँ, गोबर की खाद काम में लेता हूँ। इसके लिए मैं मिट्टी भी अलग से तैयार करता हूँ, जैसे दसरापुर एक जोड़ है, वहाँ से मैं मिट्टी लेकर आता हूँ कट्टों में डाल करके, और उसमें बालू मिट्टी मिलाते हैं बराबर, और उसमें आधा हिस्सा गोबर की खाद, गाय के गोबर की खाद या भैंस की, जो भी गाय गोबर की खाद मिल जाती है वो, और वो करके और उसमें मिलाकर मिक्स करके फिर इनको थैलियाँ भर के फिर इसमें पेड़ शिफ्ट करते हैं। और उसमें इनके ऊपर मैं ये जो कई बार कीट पतंगे भी लग जाते हैं, उसके लिए भी मैं जैविक तो अपने एक देसी है नीम की पत्ती और एक अपना धतूरा और आंकड़ा इनको डाल करके और बॉयल करके पानी रख देता हूँ, उससे फिर इससे वो इन पे छिड़काव कर देता हूँ, तो उससे वो भी सारा प्योर जैविक होता है। हरी अब तक की जर्नी का सीख रही है? नहीं, मेरी बहुत अच्छी रही है। और मुझे जब मैं इसका वितरण करता हूँ, तो जिस आदमी को मैंने टेलीफोन करके कहा कि भैया जी आज पेड़ों का वितरण करूँगा, तो वो लोग अपना काम छोड़ करके आते हैं, वो इसमें अपनी वो बहुत बड़ी वो मानते हैं कि भाई मैंने एक बरगद पीपल के पेड़ वितरण में मैं शामिल हुआ, इसलिए मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली कि भाई दो इतने लोग बिजी रहते हैं, फिर भी मैं एक छोटे से एक टेलीफोन पर मेरे पास कार्यक्रम करता हूँ तब आ जाते हैं। अभी इसके लिए ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है। अभी मुझे परसों पहले रोज ही किसी ने टेलीफोन के बताया था कि एक बुजुर्ग महिला के ऑक्सीजन का लेवल कम था, लेकिन परिवारजनों ने उसको वहीं जोड़ के पास में बरगद और पीपल के कम से कम 10-15 पेड़ लगे थे वहाँ लिटाया, और वो आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने शाम को मेरे को टेलीफोन किया कि साहब हम वहाँ हमारी माता जी अब बिल्कुल ठीक है। मतलब एक चौंकाने वाली बात है कि बाकी जो बरगद और पीपल का पेड़ ही बड़े बन सुला दिया, तो कुछ बन राहत मिली? हाँ, बहुत ज्यादा राहत मिली और वो लगभग उनका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो गया। और आप बात करा कि कुछ थारी जिंदगी में ऐ को पलायो कि थे खुश भी बहुत ज्यादा होया और मतलब दुखी भी बहुत ज्यादा होया। दुखी तो मैं एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ खेतड़ी में एक मंत्री जी आए थे, या सोब सिंह का एक बांध है, वहाँ उन्होंने कोई एक सरकारी कार्यक्रम रखा था और ये उनके कार्यकर्ता मुझसे 10 पेड़ बरगद और पीपल के ले गए थे जी। और वहाँ उन्होंने पेड़ लगाया, फोटो खिंचवाई और उसके बाद में वो चले गए, क्योंकि वो बांध के पास पेड़ लगे थे, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे किसी शाम को आके किसी ने बताया कि भाई साहब उन पेड़ों को तो सबको बकरियाँ खा गई जी। तब मैं वहाँ गया और मुझे ज़िंदगी में देखा कि वो सारे पेड़ एकदम उन ठूंठ से बच गए थे, 4 फुट का पेड़ था, उसमें आधा फुट भी बचा नहीं था। तो मुझे उस दिन आंखों में आंसू आ गए, मैंने एक पेड़ को, जिन 10 पेड़ों को मैंने बच्चे की तरह पाला और वो सारे पेड़ नष्ट हो गए। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि किसी राजनेता के कार्यक्रम में जब तक उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन की व्यवस्था नहीं होगी मैं पेड़ नहीं दूंगा, चाहे वो इससे लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा
मैं एक बार गदिनो दूधवा गया और एक बार मैं माजरी आश्रम में गया तो वहाँ 40-40 फुट के पेड़ मेरे पास से ले गए तो वहाँ बैठ कर उन पेड़ों के नीचे मैं बैठा और मुझे बड़ी सुख की अनुभूति हुई कि मेरे पास एक जो सैसव पौधा था और आज वो विशाल बरगद हो रहा है, 40 फुट का पेड़ हो रहा है, बड़े मुझे बड़ी आत्म शांति मिली। शादी विवाह में कुछ पेड़ लगाए गए हैं या कोई बेटो या बेटी पैदा हुई है तब पेड़ लगाए गए हैं? हाँ, ऐसा हुआ है। राजकीय अजीत अस्पताल में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मैंने एक बेटी बचाओ बेटी बताओगे एक अभिनव प्रयोग कर रहा हूँ मैं और आप मुझे एक बर्ग एक पीपल का एक पेड़, वो जब भी हॉस्पिटल में बच्ची जन्मती है तो वो अपनी तरफ से एक उनको बेबी किट उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ ही एक माँ बाप से बात करके एक पीपल का पेड़ भी उपलब्ध वहाँ देते हैं और उसको उनको संकल्प कराते हैं कि बच्ची की परवरिश के साथ साथ मैं इस पेड़ की भी परवरिश करूँगा। ये गत 2 साल से वो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका प्रयोग चल रहा है। इसके अलावा खेतड़ी विकास अधिकारी थी शशि बालाजी जो या माधोगढ़ की रहने वाली थी, आजकल तो उनका ट्रांसफर हो गया चली गई, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मेरे से कहा गोपाल जी मेरी भतीजी की शादी है और मैं उसमें शादी से पहले बच्ची के कन्यादान से पहले मैं एक पीपल का पेड़ लगा कर बच्ची के हाथ से लगवाना था। उन्होंने लगवाया और वो पेड़ वो आज कम से कम 10-15 फुट का पेड़ हो रहा है। उसके बाद से लोगों को वो वही बात वो अखबार में, उसके बाद में कम से कम 25-30 जगह लोग बच्ची की या बच्चे की शादी से पहले पीपल का पेड़ ले गए हैं, पेड़ लगा करके और परवरिश का संकल्प करके उसके बाद में वो शादी करने के लिए गए हैं। थारे मतलब आके बारे में थन कहीं पता लगे हो कि ये पेड़ ही है जो पीपल और बरगद का पेड़ उगावी ही और कबू थे पेड़ लेके जा रहे हो, आज पहली बार आए हो या पहली भी आए हो? नहीं नहीं, मैं गोपाल जी पत्रकार जी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से जी। मैं एक बार इनसे कुदरती मिलने आ गया था, ये बात है 2010 की जी। तो 2010 में कहा कि मैं 2009 में जिक्र किया जी। कि मेरे को बड़े पीपल चाहिए कहाँ मिल सकते हैं, तो बोले अपन दे देंगे। बोले मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो घर में घर की बात घर में है। तो फिर मैं इनको बात बार संपर्क करता रहा कि सर आपके बड़ पीपल कितने तैयार हो गए कितने तैयार हो। बोले आप आ जाओ लो। मैंने लगा अब मुरादपुर गांव के अंदर 2010 में लगाए थे बरसात के टाइम में, आज पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया जी। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं इनसे गाइड लेता था कि ये पेड़ सूख गया क्या करूँ, इसमें पत्ते डालो, इसमें वो खाद गोबर बीज और कुछ बोलिए कंक्रीट होती है ना बजरी की, ये डालो, टाइम टू टाइम पानी डालो, पानी भी बोले शाम के टाइम में डाला करो। नहीं, मैं उड़ता था नहा धो करके सुबह पहले डालता था अपने, मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सूर्य अर्पण सुबह पहले करते हैं, पीपल पेपल इनमें सुबह पानी देना चाहिए। तो फिर मैंने शाम को डाला, 2 किलोमीटर ले जाता था मटका भर करके, कभी बाल्टी से कभी दूसरों के सहयोग से। आज वो पेड़ मुरादपुर के मुक्ति धाम में है, बड़ा सुंदर है और सबको अच्छा लगता है। तो उसी प्रेरणा से मेरे को कहा लोगों ने कि भाई जोड़े से लगा, तो अब मैंने कहा फिर मैं गोपाल जी के सामने फिर हाजिर हो गया हूँ सर और इनसे निवेदन करूँगा कि मुझे एक की बजाय दो पीपल के पेड़ और दो और बढ़ के दो जिससे कि मैं गांव में और लगाऊँ। जय की मारे सामने सामने ही जो पेड़ लेन के लिए आए हैं पीपल को, तो थन का शौक लाग रही है? मैं तो बहुत बढ़िया लाग रही हूँ। मेरे को तो क्या कि मेरे को कोई भी आदमी दूर से आवे कड़े से भी आवे तो मैं मना कौन करूँ उन्हें पेड़ के लिए आता ही। मेरे को तो यह है कि पहले आओ और पहले पाओ, वह स्थिति है। मेरे को कोई अप्रोच की बात को ना कोई और को ना, जो पहले आगो वो पेड़ आदमी पहले लेके जाएगो। इस बार एक अलग से प्रयोग करियो है, एक बार कहीं कमाए वन विभाग किया जो चौकी है कमाए ने, अब की बार 135 पेड़ बरगद पीपल और नीम का लगाया गया है और इनमें सब हर आदमी ने इनमें ट्री गार्ड भावनात्मक रूप से जोड़ करके ट्री गार्ड लगवाया गया है उनके और इनका मायने बराबर ये पेड़ एक एक साल का है। आप देख रहे हो कि 5 फुट से बड़ा पेड़ होगा, तो अगर ये सारा सक्सेस हो जाएगा तो बहुत बढ़िया छाया हो जाएगी। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव ही कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हर आम आदमी तक पूछे और हर आदमी एक पेड़ आपकी ज़िंदगी में जरूर लगाओ। है चैनल पर नया हो चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लो, जो भी नयो वीडियो आओगे भी की नोटिफिकेशन तुरंत थारे फोन में आ जाएगी। जय हिंद जय झुंझुनू।